लाइन में खड़े हो गए, 2-3 दिन लाइन में खड़े रहे, घर नहीं आए, कुछ खाने को नहीं मिल रहा था, जो भी मिल आसपास मिल रहा था वो मिल गया, पीने को पानी नहीं मिला, लाइन में खड़े खड़े उनकी मृत्यु हो गई। जो 2 किसानों ने आत्महत्या की, वह भी लाइन में खड़े खड़े मायूस हो गए, खाद खत्म हो गई, उनकी बारी नहीं आई, 2.5-3 लाख का कर्ज था, घर आए कुछ कहा नहीं किसी से, चुपचाप से चले गए दूसरे कमरे में, आत्महत्या कर ली। तो जब मैं परिवारों से बात कर रही थी तो पता चला कि तमाम किसान इस पूरे बुंदेलखंड में कर्ज में डूब रहे हैं, खाद का वितरण सही ढंग से नहीं होता, बल्कि उसके बाद जब हम खाद के केंद्र में, वितरण केंद्र में गए तो वो सरकारी केंद्र बंद पड़ा था, 2 प्राइवेट केंद्र खुले थे, उसमें लाइनें लंबी लंबी लगी थी, खाद नहीं मिल रही है, मटर चना गेहूं का दाम नहीं मिलता, सिंचाई के लिए पानी नहीं है। भूपेश बघेल जी ने कहा कि आवारा पशु की जो समस्या है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, सिर्फ बुंदेलखंड में नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी थी, लेकिन जब सरकार की नीयत ठीक थी, इनकी सरकार की ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई, ऐसी योजना बनाई कि अब वहां पे ये समस्या नहीं है। वो कह रहे हैं कि गोबर को भी खरीदते हैं, किस लिए, ताकि ये समस्या दूर हो, ताकि आवारा पशु न घूमे। यहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार तो ये मानती और पहचानती भी नहीं है कि ये एक बड़ी समस्या है। हम 2019 के चुनाव में जब यहाँ आए थे तो मुझे याद है कि यही समस्या सब किसानों ने बताई। आज 2 साल हो गए हैं, 3 साल होने को जा रहे हैं, अभी भी ये समस्या, इस समस्या को हल करने के लिए कुछ नहीं किया गया है। 1500 किसानों ने आत्महत्या की है सिर्फ बुंदेलखंड में। आप सब जानते हैं कि महंगाई किस तरह से बढ़ रही है, डीजल और पेट्रोल का क्या दाम हो चुका है, यहाँ से बहुत पलायन होता है, और पलायन इसलिए होता है क्योंकि रोजगार बुंदेलखंड में नहीं मिलता। आपने देखा कोरोना के समय जिनका जहां बड़े बड़े शहरों में बुंदेलखंड के भाई बहन थे उनको किस तरह से घर आना पड़ा, परिवार पूरा परिवार पैदल चल रहा है, नंगे पांव चल रहा है, खाने को नहीं है, कोई मदद नहीं है सरकार से। जब कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम बसें देंगे तो सरकार ने बसें ली नहीं हमसे, और अब जब इनकी बड़ी बड़ी मीटिंग होती है तो बसों की लाइन लग जाती है कि बस भरो लाइए मीटिंग में, लिए कि दिखे कि कितनी भीड़ आई है हमारी मीटिंग में। लेकिन जब जरूरत थी आपको, जब आपके बेटे आपके भाई बहन दिल्ली से अन्य शहरों से पैदल यहाँ आ रहे थे क्योंकि लॉकडाउन अचानक किया गया बगैर उनके बारे में सोचे, तब ये सरकार कहाँ थी, तब इनकी बसें कहाँ थी। आपको मालूम है कि नहीं कि आज देश में किसान की आय 27 रुपये है प्रतिदिन, केवल 27 रुपये। जब मैं ललितपुर गई उसी के 2-3 दिन बाद प्रधानमंत्री जी ने झांसी में एक बड़ी रैली की, शायद यहाँ महोबा भी आए, अपने जहाज में आए झांसी। आपको मालूम है कि वो जहाज कितने रुपए का है, 8000 करोड़ का वो जहाज, वो एक जहाज प्रधानमंत्री जी का है। उस जहाज में वो यहाँ आते हैं भाषण देने के लिए, लेकिन आपकी आय नहीं बढ़ा पाते। उस जहाज में आते हैं लेकिन किसानों का कर्ज माफ नहीं कर सकते। आपको मालूम है कि किसकी, प्रधानमंत्री जी के बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों की आय कितनी है, प्रतिदिन 10000 करोड़ रुपए कमाते हैं और आप 27 रुपए में कमा रहे हैं, और आपके लिए ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। आपने देखा कि कांग्रेस की सरकार जब थी तब बुंदेलखंड में एक विकास का पैकेज आया था, उसके जरिए बहुत कार्य किए गए थे,
हम ये सब परिस्थितियों को देखकर हमने ये तय किया है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो किसानों का पूरा कर्जा माफ किया जाएगा। आपने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से सुना कि उन्होंने कितने कर्ज माफ किए हैं छत्तीसगढ़ में। इससे पहले देश भर में 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा कांग्रेस पार्टी ने माफ कराया। आपको गेहूं और धान का जो दाम है वो 2500 रुपए आपको मिलेगा अगर हमारी सरकार आएगी। हमने यह भी तय किया है कि सबकी बिजली का बिल हाफ किया जाएगा। कोरोना काल में कई ऐसे लोग थे, खास तौर से जो छोटे दुकानदार और छोटे कारोबार चलाते हैं, जिनको बिल भरनी पड़ी लेकिन कारोबार बंद हो चुका था क्योंकि लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से बहुत नुकसान हुआ। जिन ने वो कोरोना के समय वो बिल भरा, उनका बकाया माफ किया जाएगा, साफ किया जाएगा। हमने ये भी तय किया है कि जो आवारा पशु की समस्या है उसको दूर करने के लिए जो छत्तीसगढ़ में मॉडल है वही हम यहाँ पे भी करवाएंगे, ताकि यहाँ पे भी जो ये समस्या इतनी बड़ी हो चुकी है कि मेरी बहनें भी रात रात, मैंने सुना है कि आप भी रात रात खेत में बैठी रहती हैं आवारा पशुओं को भगाने के लिए, मेरे भाई भी बैठते हैं, तो ये समस्या इससे दूर हो जाएगी। आप सब जानते ही हैं, मुझसे अच्छी तरह जानते हैं कि बेरोजगारी कितनी है प्रदेश में। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ नौजवान दिखते हैं, बहुत पढ़े लिखे भी होते हैं, सब ने अपनी मेहनत की कमाई से सबसे पहले अपने बच्चों को पढ़ाया है। कुछ बच्चे बीए पास हैं, कुछ आईटीआई पास हैं, कुछ ने कोर्स किए हुए हैं, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है। लॉकडाउन की वजह से काफ़ी दिक्कत हुई, काफ़ी धंधे भी बंद हुए, कारोबार बंद हुए। इस बीच हमारे प्रधानमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि देश के लिए तपस्या कर रहे हैं। मैं बताना चाहती हूँ, आप कोई तपस्या नहीं कर रहे हैं, अपने बड़े बड़े जहाज़ों में घूम रहे हैं। तपस्या इस देश का श्रमिक कर रहा है, इस देश का नौजवान कर रहा है। जिन परिवारों को सबसे ज्यादा आर्थिक मार कोरोना के समय मिली, जो सबसे ज्यादा गरीब हैं, जिनके छोटे छोटे कारोबार बंद हुए, उनके लिए अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो 25,000 रुपए दिए जाएंगे ताकि वो फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सके। हमने तय किया है कि 20 लाख सरकारी रोजगार दिलवाएंगे, और अगर कोई भी बीमारी हो, कैसी भी बीमारी हो, तो 10 लाख रुपए तक सरकार इलाज कराएगी। एक बुंदेली कहावत है, लबरा बड़ा कि गोदा बड़ा, तो आप जानते हैं कि कौन बड़ा। योगी जी, मोदी जी, भाजपा के सब नेता यहाँ आकर मंच पर खड़े होकर आपके सामने झूठा प्रचार करते हैं, बड़े बड़े वचन देके जाते हैं। आपने अब खुद परख लिया है कि उन वचनों को किस तरह से वो निभाते हैं। आपने तो देखा है कि झूठे विज्ञापन भी देते हैं। अब कल ही आपने देखा होगा, मोदी जी गए, उद्घाटन किया उन्होंने जेवर में, एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनेगा, हवाई अड्डा बनेगा, तो सब अपनी सोशल मीडिया पे जितने भी इनके नेता हैं सब फोटो लगाने लग गए। सबने देखा कि बहुत बढ़िया है जेवर का एयरपोर्ट, पता चला चीन की फोटो है। और नोएडा में शिलान्यास करने गए थे, चाइना के एयरपोर्ट की फोटो लगाते हैं, अमेरिका की फैक्ट्रियों की फोटो लगाते हैं अपने विज्ञापनों में, आंध्र प्रदेश के बांध की फोटो लगाते हैं। तो इनको तो कोई परवाह ही नहीं है कि सच्चाई बोलनी चाहिए जब जनता के सामने आते हैं। उनको ये एहसास नहीं हो रहा है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके प्रति कोई जवाबदेही है उनकी।
वे समझ रहे हैं कि उनका काम सिर्फ चुनाव में झूठे वचन देना, यहाँ आना मंच पर तमाम आपके सामने वचन दे, उसके बाद आपको भूल जाएं। चुनाव